Now, we are going to discuss motivation and commitment as a leadership quality. This leadership quality should be in your children. The educators have to produce such kinds of abilities in our students. So, one of them and the most important one is growth mindset. Growth mindset is that uh, we take everything positive, we take learning positive. एंड वी टेक चैलेंजेस टू कोप अप विद द डिफरेंट प्रॉब्लम्स अब माइंड सैट हमारे चीज़ों को देखने की मुख्तलिफ एंगल से देखने की सलाहियत है मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि अब ये बच्चा जो है वो कहते हैं कि जी मेरे अंदर ग्रोथ माइंड सैट है आई कैन लर्न एवरी थिंग सबसे पहले तो जो लीडर है वो समझता ये है कि उसे सब कुछ सीखना है और वो सब कुछ सीख सकता है यानी उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी पैदा होगी उसको बार बार मायूस नहीं किया जाएगा उसकी हौसला अफजाई की जाएगी और छोटे छोटे उसको स्टेप्स दिए जाएंगे यानी वो इतना काम जितना वो कर सके और वो सीख ले तो वो पॉजिटिवली आगे बढ़ सकता है फिर हम देखते हैं एफर्ट एंड एटीट्यूड। अब देखिए हम जो भी काम सीखना चाहेंगे उसके लिए एफर्ट पहला स्टेप है और एटीट्यूड का मतलब ये है कि हम सीखना चाहते हैं और उसकी अहमियत को समझते हैं कि क्यों सीखना चाहते हैं सो so, आपका क्या ख्याल है कि लर्निंग जो है वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है लर्निंग भी लीडरशिप क्वालिटी है और एफर्ट भी लीडरशिप क्वालिटी है कोई भी शख्स जो एफर्ट करता है और शुरू से बचपन से एफर्ट करना सीखता है तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी है फिर माइंडसेट ये है कि आप किसी भी चैलेंज को किसी मिस्टेक को आप पॉजिटिव लें और लेने की कोशिश करें अब देखिए अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो यकीन बहुत कुछ सीख जाएंगे लेकिन अगर कोई चैलेंज देखते ही दूर हट जाएं या सोचें कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर अ, मेरे अंदर ये ताकत नहीं है इस्तात नहीं है तो आप वहीं पे उसको छोड़ देंगे और कामयाबी के कोई चांसेस फिर नहीं हैं सो so, अब हमारा जो छोटा यंग लीडर है हमें उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ पैदा करनी है हम देखते हैं कि सबसे पहले हम उसमें कोई भी क्वालिटी जो पैदा करने जाएंगे तो एडल्ट्स उसके लिए रोल मॉडल हैं पीयर्स उसके लिए रोल मॉडल हैं टीचर या एजुकेटर उसके लिए रोल मॉडल है तो सबसे पहले आप तो रोल मॉडल बलें ना उसके लिए आप उसकी हेल्प करें उसकी इनक्रेजमेंट करें आप उसको शेयर करना सिखाएंगे आप उसको चैलेंज लेना सिखाएंगे आप पार्टिसिपेट करेंगे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में तो वो भी सीखेगा सो so, जब आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे तो उसे लगेगा ऐसा ही गाइड किया जाता है ऐसा ही दूसरों की हौसला अफजाई की जाती है तो वो दूसरों को गाइड करना सीखेगा like देखिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये एटीट्यूड हैं कि हम हमेशा अपने लिए तो अच्छा और बेहतर पसंद करते हैं और दूसरे लोगों के लिए नहीं करते जब यही रवैया बार बार बच्चों के सामने आता है ख्वाब वो बहसीयत उस्ताद आए या बहसीयत वालदान आए बच्चे हमेशा ये सीखते हैं कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वह आपकी एडवाइस ही सीखें बल्कि वो आपके रवैयों से आपकी एडवाइस के मुकाबले में ज़्यादा सीखते हैं तो अगर आप ये कर रहे होंगे तो वो भी ये सीखेगा तो आपको चाहिए कि आप अपने लिए जो पसंद करें दूसरों के लिए भी वही पसंद करें बल्कि उनके लिए और ज़्यादा बेहतर पसंद करें और बच्चों के सामने इस बात का इज़हार किया जाए कि हम जो दूसरों को देने जा रहे हैं उसको हमारे अपने मलकियत से भी बेहतर होना चाहिए सो हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट जैसे हमने अभी अर्ज किया माइंडसेट के ऊपर हमने बात की कि चैलेंजेस को लेना फिर उनको पॉजिटिवली सोचना सेल्फ एफिकेसी होना ही माइंडसेट है पुरजोश होना चीज़ों को सीखने के लिए हेल्दी माइंडसेट है सो इंटीग्रेटेड टू इंस्पायरिंग अब अगर हमारे बच्चे ये सोचना शुरू करें कि वो कुछ ऐसा करें कि लोग उनकी तरफ देखें और उनको अप्रीशिएट करें या वो कोई अच्छा काम करें तो ये उनके अंदर एक आने वाली ज़िंदगी में री का काम करेगा और हमेशा वो नेकी को और अच्छाई को बेहतर तरीके से सोचेंगे और उसका एक ही हल है कि जब कभी वो अच्छा काम करने चाहें किसी नेकी की तरफ आएँ तो उनको अप्रीशियेट किया जाए उनकी हौसला अफजाई की जाए अपना खिलौना जब भी वो थोड़ी देर के लिए किसी को ऑफ़र करें तो आप खूब उनको अप्रीशियेट करें शाबाश आपने बहुत अच्छा किया अच्छे बच्चे यही करते हैं सो ये लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर पैदा हो जाएगी एंड देन लीड अदर्स लीड कैसे कर सकते हैं बच्चे दूसरों को वो तभी कर सकते हैं जब वो दूसरों से ज्यादा अच्छा बिहेव करेंगे अच्छा बिहेव करेंगे तो दूसरे लाजमन उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और नहीं तो उनको अप्रिशिएट जरूर करेंगे मसलन वो शेयर कर रहे हों दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हों किसी को रास्ता दिखा रहे हों किसकी मदद कर रहे हों तो यकीनन दूसरे बच्चे उसको लीडर के तौर पर तस्लीम करेंगे